वेलकम टू द चैनल ज्ञापन एकेडमी। अब हम लोग नए सिरा से और नए अंदाज में पढ़ेंगे टेंथ का मैथमेटिक्स, क्योंकि इसमें हम लोग डीपली एक एक टॉपिक के बारे में समझेंगे मस्ती के साथ, ठीक है, एंटरटेनमेंट करते हुए हर एक टॉपिक के बारे में समझेंगे। फर्स्ट लेसन जो आपका वास्तविक संख्या, उसके बारे में हम जाने कि ये संख्या होता क्या है, इस संख्या में कौन कौन से संख्या का नाम आएगा। अगर आप इसके बारे में, बहुत सारे लड़के अभाज्य संख्या नाम देके घबरा जाते हैं कि भाज्य है कि अभाज्य है, ये सम है विषम है, इसमें बहुत सारा कन्फ्यूजन अगर जिसको आ जा रहा है, जिसको ये समझ में आता है उसके लिए तो बल्ले बल्ले है, ठीक है, और जिसको नहीं आ रहा है उसके लिए तो हम हैं ही। यहाँ पे वही वास्तविक संख्या के बारे में हम लोग जानेंगे, आखिर ये होता क्या है। टोटल नंबर सिस्टम इसमें हम लोग पूरा का पूरा कंप्लीट कर लेंगे, जो आपके क्लास टेंथ में पूछा जाएगा, ठीक है, और उसके बाद से लाइन बाय लाइन से हम लोग एक एक चैप्टर वाइज पढ़ते चलेंगे और विथ रिवीजन के साथ, यानी कि हम लोग रिवीजन करते चलेंगे। देखिए सबसे पहले देखिए आपका चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या। क्या नाम है उसका? वास्तविक संख्या, यानी कि रियल नंबर। वास्तविक संख्या आखिर होता क्या है? यार दुनिया की सारी संख्याएं वास्तविक संख्या है। आप ऐसे समझ लीजिए कि दुनिया की जितनी संख्याएं हैं वो वास्तविक संख्या हो जाएगा, किसको छोड़ करके। तो कभी भी एक चीज याद रखिएगा, रूट में माइनस नहीं होगा, रूट में क्या नहीं होगा, माइनस नहीं होगा। और ये नंबर आए तो समझिएगा वो वास्तविक नहीं है। इसको छोड़ करके अगर दुनिया के कोई भी संख्या आ रहा है तो क्या हो जाएगा, वास्तविक संख्या आ जाएगा, ठीक है, ये आप दिमाग में रखिएगा। यानी दुनिया की सब संख्या इसको छोड़कर रूट में कभी माइनस नहीं होगा। यहां देखिएगा कैसे, वास्तविक संख्या आप समझ गए। अब वास्तविक संख्या के हिसाब से देखें तो वास्तविक संख्या के दो लड़के हुए। कितने लड़के हुए वास्तविक संख्या के? दो लड़के। यहां देखिएगा, एक का नाम रखा गया परिमेय संख्या, ठीक है, एक का नाम है परिमेय और दूसरे का नाम है अपरिमेय, अपरिमेय संख्या। संख्या समझ लीजिएगा, यहां संख्या हो जाएगा, संख्या ही हम लोग पढ़ रहे हैं। अब देखिए, एक का नाम है मतलब अपरिमेय संख्या और दूसरे का अपरिमेय संख्या, इंग्लिश में रेशनल नंबर, और इसे बोलेंगे इरेशनल नंबर, ठीक है। इसके दो लड़के हैं परिमेय और अपरिमेय। यहां होता क्या है, कहानी कुछ इस प्रकार से है कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो जो नंबर बट्टा में लिखा जाए, यानी पी बाई क्यू के फॉर्म में, आप डेफिनेशन में पढ़े होंगे, जो पी बाई क्यू के रूप में लिखा जाएगा, ठीक है, पी बाई क्यू का मतलब जो बट्टा के रूप में लिखा जाएगा उसे हम लोग क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। और ये संख्या पी बाई क्यू के रूप में आप नहीं लिख सकते हैं, जैसे कि रूट टू, इसको आप परिमेय संख्या ये नहीं है, ये अपरिमेय, इसको कभी भी आप बट्टा में नहीं लिख सकते हैं। रूट थ्री, इसको कभी भी आप बट्टा में नहीं लिख सकते हैं। लेकिन और सब जितनी भी संख्या है जो बट्टा में लिखा जाए, बताइए, एक बट्टा दो परिमेय संख्या, दो बट्टा तीन परिमेय संख्या, दो क्या है, ये भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि सब नंबर के नीचे बट्टा एक छिपा रहता है, ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। एनीवे आपको अगर नाम नहीं याद आएगा तो हम इसको ट्रिक के जरिए भी समझाएंगे, ठीक है। अब देखिए होता क्या है कि परिमेय संख्या ने इसको ताना मारा, ठीक है, कि तुम्हारा तो खानदान में अब कोई है ही नहीं, मतलब तुम्हारे परिवार में अब कोई नहीं है, तुम्हारा तो कोई औलादे नहीं है, ठीक है। तो कहा जाता है कि अगर आप दूसरे को ताना मारेंगे तो आप पर तो पड़ेगा ही, ठीक है, इस पर पड़ा। इसके भी एक लड़का हुआ, लेकिन इसके बाद से इसका खानदान एक एक का हो गया, यानी कि एक एक मेंबर ही हुए। यानी इसका एक लड़का हुआ जिसका नाम रखा गया पूर्णांक, इसका एक और इसका लड़का हुआ जिसका नाम रखा गया पूर्ण, और इसका एक ही दो लड़का हुआ जिसका नाम रखा गया प्राकृत, यानी इसको प्राकृतिक संख्या भी कहते हैं, ठीक है। बताइए, ये दूसरे को ताना मारा तो इसको भी एक से ज्यादा इसके खानदान में कोई लड़का अब आगे नहीं बना, ठीक है, एक ही दो हुआ। अब एक यहाँ कहानी डीपली समझिएगा, ठीक है, कि हम इसको किस तरह समझाना चाहते हैं आपको, और बढ़िया से समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि आप हैं और आपके पापा हैं, अगर दो आदमी अगर इसमें आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि जितना बेटा जानेगा, ठीक है, उससे कुछ ना कुछ ज्यादा चीज उसके पिताजी जरूर जानेंगे, एकदम क्लियर है कि ये जानेंगे। लेकिन इस कहने का मतलब है इन द सेंस कि जितना भी लड़के के पास ज्ञान है वो पिताजी के पास रहेगा, लेकिन जितना पिताजी के पास ज्ञान है उतना लड़के के पास नहीं रहेगा। यानी कि अगर ये छोटा सा लड़का है, ठीक है, इसके पास प्राकृत संख्या, इसके पास मात्र ज्ञान है, एक दो तीन सिर्फ जानता है, 1 2 3 4 5 ये सब गिनती जानता है, इसके पिताजी कौन है, पूर्ण संख्या है। तो जाहिर सी बात है कि जो लड़का जानेगा उससे कुछ ज्यादा तो ही जानेंगे ही, तो इस जो पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या ये चीज जानता है, जो इसके बच्चे के पास नॉलेज है, ठीक है, वो सारा नॉलेज इनके पास भी है, क्योंकि इनके पिता ना, लोग कहते हैं ना रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, तो किस सेंस से ये बात बोला जाता है, क्योंकि हम तुमसे कुछ ज्यादा जानते हैं, ठीक है, तो इसके पास ये नॉलेज रहेगा, पूर्ण संख्या के पास ये नॉलेज रहेगा, लेकिन इनसे लड़के से अपने कुछ ज्यादा नॉलेज रहेगा, एक जीरो का नॉलेज ज्यादा है, ठीक है,
इनके पापा कौन है? पूर्णांक। ठीक है, अब ये पूर्णांक है तो जाहिर सी बात है ये सब नॉलेज इनके पास रहेगा, लेकिन कुछ ज्यादा रहेगा क्योंकि रिश्ते में तो ये इनके क्या लगेंगे? बाप लगेंगे। ठीक है, तो यहां पे रहेगा 0, 1, 2, 3, 4, ये सब नॉलेज तो इनके पास है लेकिन कुछ एक्स्ट्रा भी नॉलेज रहेगा, यानी कि माइनस वाला इनके पास नॉलेज रहेगा। अब देखिए इनके बाबूजी कौन है? ये है परिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये सारा नॉलेज इनके पास भी रहेगा, ठीक है, लेकिन कुछ ज्यादा रहेगा क्योंकि ये तो बाप है ना इनके, यानी पिताजी लगेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0, 1, 2, 3 ये सब नॉलेज रहेगा लेकिन एक्स्ट्रा नॉलेज रहेगा इनमें बट्टा का भी नॉलेज रहेगा। अब देखिए यहाँ पर हम एक चीज समझे, यानी कि एक तरह से देखें तो ये इनके सबसे छोटा ये मान लो प्रकृत हो गया, इससे बड़ा पूर्ण, इससे बड़ा पूर्णांक और सबसे बड़ा क्या हो जाएगा? परिमेय। और परिमेय संख्या का ज्ञान अपरिमेय संख्या ज्ञान दोनों का ज्ञान किसके पास होगा? वास्तविक संख्या के पास होगा। क्यों? क्योंकि ये इसी के तो क्या है, ये इनके में क्या है? सबसे मेन है और इन्हीं के तो दो लड़के हैं, तो दोनों लड़कों का ज्ञान किनके पास है? वास्तविक संख्या। इसीलिए हम बोले कि दुनिया की सारी संख्याएं लगभग क्या है? वास्तविक संख्याएं, किसको छोड़ करके? रूट में कभी माइनस नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए यहां आप समझ गए होंगे, यानी कि अब हम आपसे बोले कि बताइए पूर्ण संख्या का जितना भी ये संख्या है सब संख्या प्रकृत संख्या में है, तो सब संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या का सब नंबर इसमें नहीं है। कौन सा नहीं है? तो जीरो नहीं है, लेकिन प्रकृत संख्या यानी इसका सब संख्या किसमें है? इसमें है, यानी प्रकृत सभी प्रकृत संख्याएं पूर्ण संख्या हो जाएंगी, यानी इसका सब नंबर इसमें आ जाएगा लेकिन इसका सब नंबर इसमें नहीं आएगा, यानी पूर्ण का सब नंबर प्रकृत में नहीं आएगा। ये आप याद कर लीजिएगा, यहाँ पे देखिए प्रकृत, उसके बाद से पूर्ण, अब पूर्ण से ज्यादा नॉलेज पूर्णांक के पास है और यहाँ देखने में भी लग रहा है पूर्ण में दो ही, देखो ये दो ही अक्षर से लिखा गया और यहाँ पे तीन अक्षर, इससे बड़ा है तो नॉलेज भी इससे ज्यादा होगा, इससे ये बड़ा है तो इसके पास भी नॉलेज ज्यादा होगा, ये तीन गो में कॉम्बिनेशन बैठ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अब क्लास टेंथ में एक और टॉपिक आपको बहुत ही प्रॉब्लम में डालता होगा, कभी कभी फंस जाते होंगे जो बता रहे हैं आपको, कभी पूछता है भाज्य आ कभी पूछता है अभाज्य, ये भी एक डाउट आ जाता है। ठीक है, तो समझिएगा ध्यान से, पहले भाज्य और अभाज्य, इसको बोलते हैं प्राइम नंबर और इसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। ठीक है, समझिएगा भाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो देखिए पहले अभाज्य समझते हैं, ऐसी संख्याएं जो सिर्फ दो ही नंबर से कट पाए, यानी दो से ही भाग, दो ही नंबर से भाग लगे, कौन कौन? एक तो खुद अपने से कटे और एक वन से कटे, वो अभाज्य संख्या है। ठीक है, जैसे कि है तीन, तीन एक ऐसी संख्या है दो, जो एक तो खुद से कटेगा यानी दो से खुद अपने से ही कट जाएगा और एक वन से कटेगा, वैसे भी वन से तो दुनिया की सारी संख्याएं लगभग लगभग कट जाती हैं। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा? पांच हो जाएगा, सात हो जाएगा, ये एक ऐसी संख्या है। ठीक है, जो एक तो खुद अपने से कटेगी यानी सेवन से और एक किससे कटेगी? एक से, तो जो दो से विभाजित हो यानी दो अंकों से विभाजित हो उसे कहेंगे अभाज्य संख्या। और भाज्य संख्या क्या है समझिएगा, भाज्य संख्या जो दो से ज्यादा अंकों से कटे, यानी कि जैसे चार हो गया तो चार एक तो पहले चार से भी कटेगा, एक एक से कटेगा, ये तो भाज्य का रूल है कि जो खुद से कटे और एक से, लेकिन ये दो से भी तो कटेगा, यानी कि दो अंकों से ज्यादा से कटने वाली संख्या को क्या बोलेंगे? भाज्य। और सिर्फ दो अंकों से कटने वाली संख्या को क्या बोलेंगे? अभाज्य। जैसे आठ हो जाएगा, ये भी देखिए एक तो आठ से कटेगा, एक एक से कटेगा, दो से भी कटेगा, चार से भी कटेगा। ठीक है, तो बताइए तो दो से ज्यादा अंक से कट रहा है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अभाज्य संख्या, यानी कि सॉरी ये हो जाएगा आपका भाज्य संख्या, ये आपका रहा डाउट। दूसरा देखिए, यानी कि इसमें हो जाएगा सिर्फ दो तीन पांच ये सब जितना है जिसका सिर्फ कितना है? दो अंक तक ही कटे, यानी कि दो अंक का मतलब हम क्या समझाना चाहते हैं कि सिर्फ एक खुद से कटे और एक वन से कटे, यानी दो अंकों से ही विभाजित हो, और ये दो से ज्यादा, यहाँ लिख दे रहे हैं दो से ज्यादा अंक से कटे और यहाँ सिर्फ दो अंक से ही कटे, दो अंक से विभाजित। ठीक है, समझिएगा भाज्य और अभाज्य, प्राइम और कंपोजिट। एक और आपको डाउट यहाँ क्लियर कर दे रहे, देखिए टेंथ में जो नंबर है सिर्फ हम वही नंबर बता रहे हैं आपको। ठीक है, एक और यहाँ पे देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, एक है सम, सम संख्या, एक है विषम संख्या। कोई डेफिनेशन आपको याद करने की जरूरत नहीं, इसमें डेफिनेशन कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, डेफिनेशन रटिएगा, जिंदगी भर रटते रह जाइएगा, कोई फायदा नहीं होगा। इसको बोलते हैं हम लोग, सम को बोलते हैं इवन और इसको बोलते हैं हम लोग ऑड। ध्यान से समझिएगा, सम संख्या और विषम संख्या क्या होता है? तो देखिए सम में पढ़िएगा तो स और म दो अंक है
और यहाँ इवन में ई भी इन चार गो है, यानी इसमें दो, ये दो अक्षर से बना है, कितने अक्षर से बना है, दो अक्षर से बना है, यानी इस अक्षर का जोड़ा लग जाएगा, एक और एक दो, दो का भी जोड़ा लगता है और एक दो तीन चार, इंग्लिश में भी कोई अगर पढ़ना चाहता है समझना चाहता है तो ये चार ठो है, ठीक है, यहाँ पे अगर चार है तो इसका भी तो जोड़ा लग जाएगा, तो जिस संख्या का जोड़ा लग जाएगा वो जोड़ा वाले में आएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए वी सम एक दो तीन, यहाँ पे कितना है, तीन अंक है, अगर तीन है तो इसका जोड़ा नहीं लग रहा है। और ऑड में भी देखिए ओ डबल डी, ये भी कितना अंक है, इसमें वर्ड है तीन और इसमें भी शब्द कितना है, यहाँ पे अक्षर तीन गो है, इसका जोड़ा नहीं लग रहा है। तो जिस संख्या का जोड़ा लगेगा, ठीक है, वो आएगा जोड़ा वाला में, और जिसका जोड़ा नहीं लगेगा वो आएगा विषम में, यानी जो इसमें जोड़ा नहीं लग रहा है। तो बताइए यहाँ पे सम दो चार छः आठ दस, ये जितनी भी संख्या है इस सब संख्या का जोड़ा लग जाएगा। तो जोड़ा लगने वाले संख्या को क्या बोलते हैं, जिस संख्या का जोड़ा लग जाए वो जोड़ा वाले में आएगा, यानी कि सम संख्या में आएगा, और जिस संख्या का जोड़ा नहीं लगे वो किस में आएगा, विषम संख्या में आएगा, क्योंकि विषम संख्या लिखते समय विषम का खुद जोड़ा नहीं लग रहा है तो उसमें आने वाले नंबर का कहाँ से जोड़ा लगेगा, सम का खुद जोड़ा लग जा रहा है तो इसमें जितनी भी संख्याएं आती हैं इस सब का क्या लग जाएगा, जोड़ा लग जाएगा। आपको कोई जरूरत नहीं कि डिवाइडेड बाय टू, जो दो से नंबर कट जाए उसे सम बोलते हैं, जो नहीं कटे उसे विषम कहते हैं, उतना रटने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट नाम से ही आप कंफर्म कर लीजिए, जिसका जोड़ा लगे वो सम, जिसका जोड़ा नहीं लगे वो विषम संख्या हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये बहुत अच्छा से टॉपिक समझ में पूरा का पूरा आया होगा, जो आपके क्लास टेंथ में बस इतना ही नंबर के बारे में आपको जिक्र किया गया है। तो फिर मिलेंगे, अब हम लोग लेसन के साथ एक एक क्वेश्चन को लेकर के आएंगे और बहुत ही मजेदार और इंटरेस्टिंग बनाएंगे, ठीक है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।